आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज मेरे पास है ये गिलास है, और ये है ORP टेस्टर, और ये है पानी का जो pH लेवल है जिसको हम चेक करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि पीने का पानी आपको कौन सा लेना है। क्या आपके लिए जो जार का जो पानी आता है वो अच्छा रहेगा, या आपके लिए जो कैंट का पानी है, जो ORP वाला है, नहीं जो OR वाला है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, या आपके लिए कौन सा पानी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम चार प्रकार का जो पानी है वो लेंगे। तो हम लोग के पास है एक, सॉरी दोस्तों, मैंने एक गलत बोल दिया है, जो ORP हमने मैंने बोला RO पानी, जो कैंट सब में आता है RO पानी, UV पानी, तो उस वो सब आपके लिए कितना लाभदायक है, ये आपके लिए सही है या गलत है, वो सब हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पानी लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या बताना चाह रहे हैं वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। पानी देखिए, पानी तो अल्कलाइन होना ही चाहिए। अधिकतर पानी अभी जो हम लोग पी रहे हैं वो एसिडिक होता है। जो जार का पानी हम लोग लेते हैं या बोतल बंद जो पानी होता है वो अधिकतर एसिडिक ही होता है, और अगर आपको एल्कलाइन पानी चाहिए तो वो थोड़ा महंगा में आता है, तो वो तो कोई आदमी उतना जल्दी ख़रीदता नहीं है। लेकिन हम लोग को हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन वाटर अच्छा होता है, और ORP तो मुश्किल से ही हम लोग को मिल पाता है, क्योंकि सब पानी में जो ORP है वो पॉजिटिव ही रहता है, जबकि नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पानी सही है हमारे बॉडी के लिए, और अगर ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और जितना नेगेटिव ज़्यादा होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट पानी हमारा बनेगा। तो दोस्तों, यही सब हम लोग को दिखाना है कितना अल्कलाइन है, कौन पानी अल्कलाइन होता है, कौन पानी एसिडिक होता है, और कौन किस पानी में ये ORP नेगेटिव या ORP पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो हमारे बने रहिए। देखिए दोस्तों, अभी हम लाते हैं पानी चापाकल से, एक लाएंगे जो कैन टाइप का एक्वाटेक है हमारे पास, उसका पानी लेंगे, और एक बॉयल वाटर लेंगे। बॉयल वाटर लेने का ये मतलब है कि हम दिखाना चाहते हैं कि बॉयल वाटर ही सबसे अच्छा होता है, चाहे आप कैंट का पानी पीते हों, या बोतल बंद पानी पीते हों, या कुछ और नल का या चापाकल का कहीं और का आप पानी पीते हों, सबसे अच्छा बॉयल वाटर होता है। लेकिन थोड़ा बहुत बॉयल नहीं, आपको 10 मिनट या 20 मिनट पानी के हिसाब से आपको बॉयल करना होगा, 20 मिनट 30 मिनट तक। तो ठीक है दोस्तों, अब महिला बॉयल करने का मकसद क्या है, बॉयल करने से एक तो पचाने में आपको हल्का होगा, वो हल्का हो जाता है पानी, और अगर वैज्ञानिक तरीके से हम देखें तो इसका जो ORP है वो घट जाता है। तो अगर घटेगा तो जिस टाइम मैं इसको ये बूंद गिराऊंगा पानी में तो वो अपने आप ये पिंक कलर का आ जाएगा, तो ये समझ जाइएगा कि उसका जो ORP है वो घट चुका है। तो यही दिखाना था। और बॉयल वाटर हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, आप एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, पाचक भी बढ़ाएगा, और पचाने भी अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं बॉयल करके दिखाता हूँ मैंने कितना बॉयल करना है। और बॉयल हमेशा स्टील का में कीजिए, और दूसरा मत कीजिए हवा तो में सब, या मिट्टी के बर्तन में कीजिए, अच्छा रहेगा। हर घर में स्टील का होता है तो स्टील का में ही कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये लोकेशन है जहाँ मैं रहता हूँ, और इधर पहाड़ी, इधर का ही जो पहाड़ी पानी होता है वही हम लोग पीते हैं, जो हम लोग का जो गाढ़ा हुआ है जो नल है, जो समरसेबल वाला है, वहीं का पानी हम लोग पीते हैं। इधर का पानी में खासियत यही है कि आपको मिनरल्स पूरा मिलेगा। जो कोई भी पानी पीते हैं जो खरीद करके, ये सोच करके कि मिनरल्स मिलेगा, उसमें उतना नहीं मिलता है, और अल्कलाइन भी नहीं होता है, उसमें एसिडिक होता है। और इधर के पानी में ये है कि आपको अल्कलाइन भरपूर मिलेगा इस पानी में। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से पानी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जो मैंने बताया कि कहाँ का पानी मैं पीता हूँ, या पूरा जो हम लोग रहते हैं पीते हैं, ये यही नल से हम लोग लेते हैं। ये डायरेक्ट मोटर से जुड़ा हुआ नल है, इसका जो पाइप कनेक्शन है देख लीजिए, ये डायरेक्ट
इसका आता है वहाँ से, देख लीजिएगा ये, और नीचे चला गया है, एक सीधा चल गया है टंकी की तरफ आ गया, और एक आया नीचे की तरफ और ये चला गया इधर, और यहीं से हम लोग पानी लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ का पानी लेता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, मैंने नल का पानी ले लिया है जो डायरेक्ट मोटर से आता है, कार का पानी है, यहाँ से थोड़ा पानी हम लेंगे। ठीक है, ये जार का पानी है जो लोकल इधर का जार का पानी। ये जो पानी हम लाए हैं इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि अच्छा से पता चले कि ये किसका पानी हम लेके आए। ये नल का पानी है, ये इससे पहले एक एक्वाटेक का पानी लाए थे तो उसको हम नंबर देंगे एक, और ये जो नल का पानी है इसको उसके बाद लाए हैं तो इसको हम नंबरिंग देंगे दो। तो ये दो नंबर रह गया, ये पहचान के लिए है सिर्फ, और अब एक नंबर वाला जो एक्वाटेक का हम लिए हैं इसको भी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, बस आपको पहचान में आ जाए, पहचान लीजिएगा एक नंबर है, और ये तीसरा नंबर में इसको देते हैं। ये जार का पानी है जो लोकल में हम लोग के यहाँ मिलता है एक्वापिनो का। ठीक है, जो मैंने नल से लिया था वही पानी है, और इसको मैं बॉईल करूँगा तो यही दिखाना है कि बॉईल वाटर कितना हमारे लाभदायक है या कितना नुकसान है। इसको हम बॉईल कर रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा तो नहीं करना होगा, थोड़ा सा 10 मिनट पानी के हिसाब से करना होगा, या 10 मिनट में हो जाएगा या 5 मिनट में हो जाएगा, तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं। ये बॉईल हो रहा है पानी, और ये हो चुका है, जितना हमको बॉईल करना था उतना हो चुका है। तो अभी मैं इसका जो गैस है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये रेडी हो चुका है पीने के लिए, मतलब ये हल्का हो चुका है, इसमें जो ORP है वो घट चुका है, ये माइनस में चला गया है। इस चार नंबर गिलास पर बॉयल वाटर डालते हैं। ठीक है, का पानी आ गया है। जो नंबर वन पे हम लिए थे ये एक्वाटेक का पानी है, दूसरे नंबर पे जो है ये नल का पानी है, और तीसरे नंबर पर जो है ये जार का पानी है, और चौथे नंबर पर हम खुद अपने घर में बॉईल किए हैं। ये जो दूसरे नंबर का पानी है इसी पानी को मैंने बॉईल किया है। तो दोस्तों ये है ORP टेस्टर है, और ये है pH, हम इसका एल्कलाइन चेक करेंगे, pH लेवल इसका पानी का, और इससे हम चेक करेंगे ORP। तो हम शुरू करते हैं अभी। तो हमने चार खाली गिलास लिया है, और इस पर भी हमने नंबरिंग कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पहले नंबर पर हम पहला नंबर का पानी डाल देते हैं, इतने में ही टेस्ट हो जाएगा। दूसरे पर डाल देते हैं, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब मैं ये जो pH स्केल वाला जो है ड्रॉप, इस पर ड्रॉप करूँगा, और इसका pH लेवल जो है अगर नीला तो सबसे ज़्यादा इधर है, और अगर ये पीला होता है, ये रेड कलर का, अगर रेड कलर का होता है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो दोस्तों ये जो बीच में है 7.0, ये नॉर्मल, मतलब जो न्यूक्लियर होती, हाँ दोस्तों ये जो हम लोग का बॉडी होता है उसी टाइप का है। मैं अब इस पर एक एक बूंद डालूँगा, पहले अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं अब तक कुछ दिख नहीं रहा, दूसरा में अब होने लगा, कलर इसका चेंज होने लगा है, दो दो, अब तक मैंने दो दो बूंद करके सब में डाल दिया है, अब थोड़ा दो दो बूंद करके बढ़ाते हैं। इसमें एक बूंद ज़्यादा हो गया है तो सब में एक बूंद थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा ये जो जार का पानी है आप देख लीजिए, और ये है नल का पानी जो मोटर से आता है डायरेक्ट, और ये है एक्वाटेक का पानी, और ये है बॉयल वाटर।
देखिए अभी मैं और डाल देता हूँ, क्या कि ज़्यादा पानी ले लिया हूँ तो आप लोग को ये पहचानने में आसानी होगा कि कौन सा वाटर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सबसे अच्छा ये बॉयल्ड वाटर देखिए, इसका जो कलर है इसका कलर इसमें आ रहा है, ये 10 वाला में। अगर मैं और डालूँगा तो ये लगभग ये 11 पॉइंट में चल जाएगा। और 3 नंबर में देखिए, ये पूरा पूरी एसिडिक पानी है, जो जार का पानी है, जो ख़रीदा हुआ पानी है, इसका जो पॉइंट लगभग लगभग में आ रहा है ये इसमें आ रहा है 5.5। तो सोचिए आप कौन सा पानी पी रहे हैं, अपने हेल्थ को किस टाइप का बना रहे हैं पी करके। और ये जो 2 नंबर में है इसका कलर 6.5 में आ रहा है थोड़ा बहुत। और ये जो एक्वाटिक का पानी है ये 7.0 है, ये ठीक है, नॉर्मल है, ये पीने लायक है। लेकिन ये जार का जो पानी है ये पीने लायक है ही नहीं, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं। और ये भी उतना पीने लायक नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है ये बॉइल्ड वाटर। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और गहरा कलर आने के लिए मैं अब लास्ट में डाल देता हूँ। वैसे तो हो गया है, पहचान में आ गया है कौन सा कितना ख़राब है। देखिए इसका कलर देखिए और इसका कलर देखिए, जार का सबसे बेकार पानी। और इसका भी कलर देखिए। तो सबसे पहला नंबर पे आएगा जो अल्कलाइन वाटर आएगा, ये जो बॉयल वाटर है। दूसरे नंबर पे आएगा ये जो एक्वाटेक का पानी है। और तीसरे नंबर पर आएगा जो हमारा नल का पानी है। और सबसे लास्ट पोजीशन पर आया है जार का पानी। मेरी ओर से आपको ये सलाह होगा कि आप जार का पानी तो पीए ही मत, किसी भी हालत में मत पीए। अगर आप ऐसी जगह फंस भी जाते हैं तो आप चापाकल या कहीं भी जाके पी लीजिए, लेकिन जार का पानी मत पीजिए। देखिए इसका जो कलर है आप देख सकती है, एसिडिक पानी है। और अगर आपको घर में रहते हैं और पानी अच्छा पीना चाहते हैं तो बॉयल करके पीए, लेकिन बॉयल भी 1 या 2 मिनट का नहीं, कम से कम 5-10 मिनट अगर कम पानी है। अगर ज़्यादा पानी है तो पानी के हिसाब से बॉयल कीजिए 20 मिनट आधा घंटा तक, ये आपके हेल्थ के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये अभी और पानी है, इसका हम टेस्ट करेंगे, ORP इसका टेस्ट करेंगे। इसमें पानी तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसका पानी हम घटाते हैं, इसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी सब गिलास में मैंने पानी को बराबर मात्रा में कर दिया है। अब इस पर हम इसका ORP टेस्ट करेंगे। ये जो ORP है यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें अगर निगेटिव आया तो ये इसका जो कलर है ये पिंक कलर में आ जाएगा। और पिंक कलर का मतलब है, पिंक कलर का मतलब है कि ये पानी आपके पीने के लिए है, अच्छा है। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसमें ज़्यादा पाया जाएगा, जिसका भी कलर पिंक कलर में आएगा। तो अभी मैं एक एक बूंद करके सब में डालता हूँ। पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, अभी तक उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, 2 बूंद, 3 बूंद, इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, 1, 2, 3 अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 1, 2, 3। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये दोनों में कोई कलर का चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब है कि इसका जो नेगेटिव जो ORP है इसमें कुछ पाया नहीं जा रहा, इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसमें हल्का फुल्का है, ये पीने लायक है। और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका आया 4 नंबर, ये बॉयल वाटर है। और ये जो पहला जो एक्वाटेक का पानी है, दूसरा हमने लिया था नल का पानी, और तीसरा हमने जार का पानी लिया। पिछला जो हमने दिखाया था, जो pH लेवल हमने टेस्ट किया था, ये जार का पानी तो वैसे फालतू है ही, अल्कलाइन तो है ही नहीं। और इसका जो ORP हमने टेस्ट किया उसमें भी ये ख़त्म, इसका पीछे ही रह गया। ये इसका कलर थोड़ा सा शायद थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इसका कोई कलर चेंज नहीं आया है। तो ये मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये तो पीने लायक नहीं रहा, सबसे अच्छा है बॉयल वाटर। और जितना टाइम तक हमने बॉयल किया था उतने ही आपको बॉयल करना है, ताकि आपके सेहत के लिए अच्छा रहे। तो दोस्तों इसमें तो सब में मैंने 3-3 बूंद करके सब में डाला है बराबर मात्रा में, और उसी में ही इसका जो कलर है चेंज हो गया। अब मैं जिसमें कलर चेंज हुआ ही नहीं, ये थोड़ा बहुत हुआ है, तो इसमें और 2-3 बूंद डाल करके मैं देखता हूँ कि इसका कलर में चेंजिंग आता है कि नहीं। 2 और तीसरा बूंद, इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है इसमें भी, 1, 2,
तीन, कोई चेंज नहीं आया, एक दो तीन, कोई चेंज नहीं आया। देखिए सिर्फ तीन बूंद मैंने डाला है इसमें, और इसका कलर देखिए। और ये एक्वाटेक का पानी है, मैंने इसमें छः बूंद डाला है, और आप इसका कलर देख सकते हैं, और इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आया है, देख लीजिए। पीने लायक पानी अगर आपके पास है नहीं तो ये भी ठीक है, जो मैंने जो मोटर का पानी है वो लिया है। सिर्फ इसमें ORP जो है इसका उतना नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया है, लेकिन ये तो किसी भी हालत में पीने लायक नहीं है। ये आपके बॉडी को एसिडिक बना देगा, आप बीमार पड़ जाएंगे इससे। लेकिन ये सबसे अच्छा रहा बॉइल वाटर, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा गर्म पानी, सिर्फ गर्म करके मत पीजिए, आप बॉइल कीजिए तभी पीजिए। अच्छा दोस्तों, अभी मैं इसी में पहला जो गिलास का है पानी, इसको मिलाता हूँ। अच्छा, इसका कितना कलर चेंज आता है कि नहीं, ये तब भी वैसा का वैसा कलर है, थोड़ा सा कलर चेंजिंग आया है। दूसरे नंबर का पानी डालता है जो नल का पानी है, ये कलर देखिए, फिर भी ये ठीक ही कलर है। और तीसरा नंबर का मैं डाल देता हूँ, तो कलर देखिए इसका, जो बॉयल वाटर है ये कितना काम का आया। इसमें थोड़ा सा मैं एक दो बूंद डालता हूँ, ये कलर अब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, क्या कि ये तीनों गिलास का मैंने पानी मिला दिया है, तो ORP इसमें तो है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे मैंने उसमें मिला के देखा कि कलर में क्या चेंजिंग आता है, अब मैं इसी चार नंबर पर जो बॉयल वाटर है, जो सबसे अच्छा पीने लायक है हमारे हेल्थ के लिए, इसी में मैं बारी बारी से सब पानी को डालता हूँ। पहले मैं एक नंबर का पानी डालता हूँ, जो एक्वाटेक का पानी है, हर थोड़ा ही डालूँगा दोस्त, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब मैं ये दो नंबर का जो नल का पानी है इसको डालता हूँ, बस इतना ही डालूँगा। और ये सबसे एसिडिक पानी जो जार का पानी है, इसको भी इतना ही डालता हूँ, ये तब भी आपके हेल्थ के लिए पीने लायक बना देगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो कलर है, इसमें मैंने सब पानी को मिला दिया है, एसिडिक पानी भी, तब भी जो इसका कलर है ये एल्कलाइन में ही है। आप देख लीजिए, ये फिर भी एल्कलाइन में आता है। ये इस नंबर पर अभी इसका जो लेवल है pH लेवल 9.0 है। देखिए दोस्तों, जो इसका जो लेवल है अभी भी 9.5 में आ रहा है इसका, और जबकि मैंने सभी पानी को इसमें ऐड किया है तब भी हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतने ही आपको बताते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।